औरंगजेब ने आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद उसने इतना यहाँ पे नष्ट किया, मतलब जो बाहर की जो मूर्तियाँ बनी हैं। मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है। आपका फिटनेस देखो कितना पतला दुबले हो। हाँ मैं तो कसरत करता हूँ। हर दिन करते हो? क्या बात है भाई। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम श्रावण का पहला मंडे है तो आज हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ हैं विजय भाई और जो कि तगाराम जी के भाई साहब हैं और हरीश। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं, इनकी फैमिली भी है, हम लोग सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने। आज श्रावण का पहला सोमवार है तो होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। तो चलते हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं तगाराम जी का, तो वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, खिद्रापुर मंदिर। तो अभी अभी पहुँचे हैं, बस अंदर जाएंगे, अब थोड़ा सा कुछ सामान लेंगे बाहर से दर्शन करने के लिए, पूजा वूजा करने के लिए फूल लेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो देखो फैमिली भी है सबकी, तो अभी हम लोग सब लोग इधर, भोला भाई भी हैं। तो ये मेन गेट है, अगर बात करूँ तो ये मेन गेट है। तो अभी हम लोग अपने प्यारे प्यारे कदमों, छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे अंदर जाएंगे। तो तगाराम जी की फैमिली और बाकी भी उनके भाई साहब की भी फैमिली है, सब लोग, मतलब बच्चे सब लोग आए हैं। तो अभी अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आने तो चलते हैं। ये मेन गेट है जो कि एंट्री यहीं से होती है, आप अगर मतलब अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से आगे आपको दिखाई देगा मंदिर। हम यहाँ से अंदर जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे, बाकी लोग अंदर चले गए हैं। कब ये बनाया गया था और अगर इसकी बात करूँ तो मैं ये 7वीं शताब्दी में, मैंने अभी आते टाइम मैंने इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा देखा, सर्च किया, तो 7वीं शताब्दी में बदामी चालुक्य के द्वारा मतलब निर्माण किया गया था ये मंदिर। और काफ़ी कुछ इसमें तोड़ा भी गया है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि मतलब किन के द्वारा इस मंदिर को थोड़ा सा नष्ट किया गया। तो अभी हम एक जगह पे बैठूंगा और वो दिखाऊंगा भी मतलब क्या क्या नष्ट हुआ है, बहुत सारी मूर्तियों को नष्ट किया गया है। फिर भी मंदिर का इतना मतलब खूबसूरत है कि मतलब उसमें कुछ भी कमी नहीं आई है, बस वही अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मूर्तियों को और साइड में जो मूर्तियाँ बनी थी उसको मतलब तोड़ा गया है। तो किन के द्वारा तोड़ा गया है मैं आपको कुछ देर में मैं बताता हूँ आपको। गाइस देख सकते हैं कि ये मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया है, पूरा जो हाथी का मूर्तियाँ थी वो सब उनका सूट तोड़ा गया है साइड से। जितने भी मतलब कलाएँ थी, मूर्तियाँ थी, उसमें बहुत सारा नष्ट किया गया है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत बनाया गया है कि इतना तोड़ने के बावजूद भी ये मतलब इतना खूबसूरत दिखता है। तो गाइस मैं बात कर रहा था मतलब इस मंदिर की खासियत की। तो दरअसल क्या हुआ था कि 1702 ईस्वी में यहाँ पे औरंगजेब ने आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद उसने इतना यहाँ पे नष्ट किया, मतलब जो बाहर की जो मूर्तियाँ बनी हैं वो सारा नष्ट किया जितना उससे हो सका।
उसके बाद यहाँ पे फिर भी मतलब इस मंदिर का इतना खूबसूरत मतलब दिखता है, बाहर से देखेंगे तो इतना खूबसूरत लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा नष्ट हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे भी मतलब जो मूर्तियाँ पड़ी हैं वो टूटा पड़ा है, देखिए ये हाथी का सूंड भी टूटा पड़ा है। ऐसे ही मतलब पूरे बाहर का जितने भी मतलब मूर्तियाँ हैं ना वो बहुत खंडित किया है, तो उसने अपने मतलब जब भी आक्रमण किया था तो इसने बहुत सारा नष्ट किया यहाँ की मूर्तियाँ जितने भी बनी हुई हैं। तो फिर भी इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, इतना खूबसूरत मंदिर है कि हम पहले आपको एक बार यहाँ का चक्कर लगा के दिखाता हूँ बाहर का कि किस प्रकार है ये मंदिर। क्या नाम है आपका? संयम। आपका? विशाल। विशाल। आपको? विश्वनाथ। हाँ? विश्वनाथ। विश्वनाथ। आपका? समित। समित। आप चैनल को सर्च करेंगे ना? हाँ। बिल्कुल करना है, ठीक है? अंकित केयर। गाइस अभी हमने मंदिर का कुछ फ़ोटो ले रहा था, बाहर से कैप्चर कर रहा था, तो मतलब कुछ लड़के मिले और पूछने लगे भाई चैनल का क्या नाम है, तो भाई मैंने इनको बताया जो कि पीछे पीछे आ रहे थे। तो चलो अभी देखते हैं तगराम जी किधर हैं, और उधर उनका भी फ़ोटो शूट चल रहा है। भाई भाई इतना खूबसूरत मंदिर है तो फ़ोटो ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जितने भी लोग आते हैं अपने तरफ से फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, जो भी होता है, क्योंकि भाई खूबसूरत मंदिर है बहुत सारा, मतलब यहाँ पर आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग अभी तगराम जी की फैमिली पूरे जितने सारे हैं सब लोग अभी फ़ोटो सेल्फी लेते हुए बोला भी, और बाकी लोग भी देखो अभी बाहर दर्शन कर लिए हैं सब लोग। विजय भाई मैं बोल रहा हूँ सब लोग अपने अपने मतलब जितने भी लोग आते हैं दर्शन करने, एक बार दर्शन करते हैं उसके बाद सेल्फी फोटो इतने सारा मतलब ज़्यादा करके आते हैं, दर्शन हो गया एक बार काम। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आपको ये मंडप आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ से सूर्य का किरण भी यहाँ से आपको दिखाई पड़ता है जब वैसे समय पे आते हैं, तो शाम को अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल उजाला भी रहता है। और देखिए यहाँ पे लोग बहुत सारे बैठे हैं, मुझे कितना गर्मी हो गई भाई तो देखो कितने भीड़ लगी है ये मंडप है, और यहाँ से सूर्य का किरण पड़ता है यहाँ से देखेंगे तो देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे बाहर के लिए, और इस गेट से मैंने एंट्री ली थी, आप यहाँ से हम करेंगे एग्जिट क्योंकि बाहर सब लोग चले गए हैं ऑलरेडी, तो अब चलते हैं बाहर। तो सब बच्चे हैं देखो तगराम जी की फैमिली का, उनके भाई का, बाकी ये हैं। बोला आपको दर्शन करके कैसा लगा? बोला एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाकी फैमिली है सभी, सब लोग दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको कैसा लगा भाभी? मस्त लगा। हाँ मस्त लगा। आने के बाद वाकई में बहुत अच्छा लगता है अंदर का भाई मंदिर देख के ही, तो खूबसूरत काफ़ी खूबसूरत है। अब यहीं थोड़ी देर थोड़ी नीचे आगे जाएंगे ना तो आपको कृष्णा नदी पड़ेगी, जो कि अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे और कृष्णा नदी का भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, और वहां भी बताऊंगा कि मतलब उसके उस बगल क्या है, इसके इस बगल क्या है, तो जाता हूं थोड़ी देर में। देखो भाई सब लोग बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पर सब लोग। देखो बड़े बुढ़े बुढ़े बैठ रहे हैं ऊपर, क्या करें। वो मैंने अभी अभी जस्ट वीडियो लिया कि भाई खेलने वाला है तो क्या करोगे, बचपना याद आ जाता है, इसमें कोई कह नहीं सकता। अभी अभी मैं उनको क्या कहूँ, अभी थोड़ी देर में मैं खुद खेलने वाला हूँ। सच में वो देखो वहाँ पे आकाश क्या कर रहा है, वो क्या नाम है। अरे बाप रे बाप, एक बार मैं गिरा था ना तब से मेरे को डर लग गया,
मैं कभी फिर खेलता नहीं हूँ। ऐसे ही मैं झूला खेल रहा था एक बार गांव में, गांव के लड़कियां बनाती है ना झूला, मतलब एक समय आता तो एक महीना मालूम है कौन सा। हाँ तो क्या हुआ था कि मतलब वो बनाई थी, तो हमने मतलब सोचा कि बहुत सारे होते हैं कि मतलब खेलते भी हैं वहाँ पे, तो वो मतलब लड़कियाँ ही खेलती थी, सब लड़कियाँ औरतें जो भी हैं, तो हम लोग बहुत ऊपर नहीं मारते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ। तो हम लोग इतना मतलब चार पांच लड़के थे, हम लोग खूब तीस तीस से मारते थे, और ऊपर का वो कट गया था जो मतलब बनाते हैं ना, वो कट गया था, मतलब ऑलमोस्ट कट ही चुका था, थोड़ा सा बचा था, तो हम लोग इतना दूर जाके गिरे ना, तब से मुझे डर इतना लग गया ना, मैं कभी भूल के भी ऐसी गलती नहीं करता हूँ जान में। तो ऐसे हमारे साथ भाई साहब हुआ। आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों का। भाई आपको फिटनेस मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है, आपका फिटनेस देखो कितना पतला दुबले हो। मैं तो कसरत ही करता हूँ। हर दिन करते हो? क्या बात है भाई। गाइस जाओ। अरे भाई गाइस ये देखो बोला बोला का बैठ देखो इतना हल्का। हाँ बोला कितना वजन है आपका? अरे यार 50 किलो। ये देख के देखो बचपन की यादें आ जाएगी भाई। देखो यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया, लेकिन कभी इच्छा है भाई। ये देखिए भाई कितना बैठ है इनका, ये लोग बैठ रहे हैं फिर भी नहीं। ये बस बता देखते हैं कौन कितना वजन है, पहले इतना चेक करो, पहले देखते हैं कितना वजन है आपका है। तगरम जी आप बैठो, आप बैठो, आपका देखते हैं वजन कितना है। बैठो बैठो नहीं बैठो आप, मेरा वजन ज्यादा है। नहीं आप बैठो, हम देखना चाह रहे हैं कि वाकई में सही है कि गलत है, हम देखना चाह रहे हैं। बैठो आप बैठो बैठो अब जाके सही हुआ, अब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ वाकई में ठीक है, बस मतलब ये लोग हल्के पड़ रहे थे। तो गाइस दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे खाएंगे सब लोग। देखो सब लोग बैठ गए अपने अपने खाना लेके, ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं, ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं मेहनत करने गए थे, उसके बाद लंच हुआ है। तो गाइस ऑलरेडी हम लोग खाना खा लिए, काफ़ी अच्छा रहा। बोला आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खाना तो बहुत मस्त था भाई। राजस्थानी एक खाना मेरा तीसरा टाइम था। बोला सब लोग राजस्थान से हैं तो मस्त था यार खाना। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाए, लेकिन हम लोग पास पानी नहीं था, तो अभी हम लोग एक दुकान पर आए हैं और यहाँ से लेंगे पानी का बॉटल। सब लोग अभी खा रहे थे और हम लोग अभी खा के बस पानी लेने आ गए। चलो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के किनारे, और यहाँ से हम देखेंगे तो थोड़ा सा आगे दिखेगा है, नीचे यहाँ से बिल्कुल डाउन है। तो गाइस ये है कृष्णा नदी, जो कि उस साइड कर्नाटक बॉर्डर आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, और महाराष्ट्र है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, और उस साइड है कर्नाटक, उस साइड है भाई। तो गाइस ये राजस्थानी और डांस थोड़ा मोटा यहाँ पे पस्तूस कर रहे हैं सब लोग। तो भाई जाते जाते हम लोगों ने सोचा कि कृष्णा नदी
के पुल पे भी घूम लेते हैं। अब काफ़ी खूबसूरत पुल है। तो देखिए अभी बारिश भी आने वाली है, हम लोग वापस से जा रहे थे। तो गाइस अब हम यहाँ से जाएंगे वापस से। काफ़ी टाइम भी हो गया, अभी शाम होने को है और अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे। यहाँ से जाते जाते हम लोगों को पुल पे भी घूमना था क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम था, उजाला भी था। तो अब हम वापस से जा रहे हैं अपने साइड। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया हो तो हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले यार। बाय। बस आ गया।